उमर तारिक गिल साहब, ये बताइएगा कि आज मीशा शफी और अली ज़फ़र केस के अंदर क्या प्रोसीडिंग हुई है? आज हमने इफ़त उमर का सिविलाइजेशन कम्प्लीट कर ली है। कोर्ट ने समन किया हुआ था सब विटनेसेस को, जिसमें मीशा उसके छः के छः विटनेसेस को, लेकिन आज सिर्फ दो विटनेसेस कोर्ट में आए हैं। और हम क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाह रहे थे स्टार्ट फ्रॉम मीशा, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी, तो कोर्ट ने भी ऑब्जर्व ये बात की है कि मैंने लास्ट हियरिंग पे बुलाया, वो ये कह रहे हैं कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है कनाडा की, इस वजह से वो नहीं आ सकी। एप्लीकेशन उन्होंने मूव किया, लेकिन हम क्योंकि प्रोसेस को चलने देना चाहते हैं, तो हमने अब कोर्ट से कहा कि जो इधर दो विटनेस इनके अवेलेबल हैं, आप उनको ले आएँ ताकि हम उनको क्रॉस एग्जामिन करें, और मीनवाइल कोर्ट डिसाइड करेगी कि उनका वीडियो लिंक पे ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकता है कि नहीं। अच्छा, वो आपने कुछ स्पेशल जो है पेयर भी बनाए हैं विटनेस के लिए, अब आइंदा समात में जो है, एक तो तारीख क्या हुई और आइंदा समात पे कौन कौन से विटनेसेस को तलब किया गया है? 20 के लिए एडजर्न किया है कोर्ट ने, और उस डेट पे कोर्ट ने लीना गनी को और फरहान जो मैनेजर हैं मीशा शफी के, उनको समन किया है फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। मज़ीद आप केस के मुतालिक कहना चाहें, कुछ कहना चाहेंगे कि तो प्रोसीडिंग के हवाले से? चाह रहे हैं कि इस केस का जल्दी से जल्दी फैसला हो। हालांकि हमारा बेसिक जो एक था इरादा, वो ये था कि हम स्टार्ट करें विद मीशा, क्योंकि वो बेसिक विटनेस है, वो पार्टी टू द केस है। वो नहीं आ रही, उनको कोर्ट ने समन भी किया, वो नहीं आ रही। इसके बावजूद हम इस चीज़ को आगे ले कर चल रहे हैं कि अगर मीशा नहीं भी आ रही तो जो अवेलेबल है हम उनको क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, उससे हमारा केस भी टू सम एक्सटेंट प्रेजुडिस होता है, लेकिन हम किस केस का फैसला चाहते हैं।